नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं बिहार की उन दो सीटों को लेकर के जहां पर उपचुनाव होने हैं, और चुनाव के लिए प्रचार के लिए अब जो दिन हैं वो गिने बचे हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव पहले तारापुर पहुंचे, तीन दिन तक कैंप किया और अब पहुंच गए हैं बिहार के कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है, और वहां पर भी तीन दिनों तक वो लगातार कैंप करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव को क्यों चुनना चाहिए, इसको लेकर के तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी जो है या पूरे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार कैंप कर रहे हैं और वहाँ पर और वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है कि उनको मौका दिया जाए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की आरजेडी बिहार में सबसे बड़े दल के तौर पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आई। कुल 75 विधायक हैं इनके पास। नीतीश कुमार जदयू तीन नंबर पर है और बीजेपी के पास 74 विधायकों के साथ वो नंबर दो पर काबिज है। तेजस्वी यादव अपने इमेज को और बढ़ाना चाहते हैं, शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव इन दोनों उपचुनावों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। अगर इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होती है तो नीतीश कुमार के लिए स्थिति थोड़ी सी असहज होने वाली है जैसी हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के इमेज को तो धक्का लगेगा ही लगेगा। दूसरी तरफ लगातार जो उनकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता लगातार कैंप कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है। तेजस्वी यादव जब वहाँ पहुँचे, यानी कि बिहार की दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा इलाके में, तो वहाँ पर किस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहे हैं, पहले ये सुनवाते हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? लोग मजबूरी में नाव का इस्तेमाल करते हैं रात में भी। सरकार को तो खुशी, उनको अपनी खुशी की चिंता है। कल खुशी से मोह थोड़ा छोड़ करके, टिकनबाजी छोड़ करके, और जनता की भी चाह करके तो देखें, मुख्यमंत्री कितने बार आए हैं यहाँ, सड़कों के हाल में देखें, थोड़ा सड़क पर चलेंगे तो तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक है, सरकार की हर एक बात पर बिल्कुल चुन चुन के जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि आने वाले जो 3 से 4 दिन का वक्त होगा, यानी कि जब अंतिम दौर होगा चुनाव प्रचार का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी तमाम लोग वहाँ इन दोनों विधानसभाओं में पहुँचेंगे और वहाँ बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल जनसभा जो है नुक्कड़ नाटक की शक्ल में है और लगातार हर एक बड़े पंचायत में तेजस्वी यादव खास करके आरजेडी जो है पहुँचने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ वहाँ पर जो है चुनाव प्रचार की रफ्तार को तेज किया जा रहा है। बिहार में साल 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नेक टू नेक की फाइट हुई। एनडीए की सरकार बिहार में बनी, जिसमें कुल 4 दल शामिल हैं। आने वाले वक्त में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एनडीए कोई भी एक दल अगर अलग होता है, तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं अगर वो इन दोनों सीटों पर जीत जाते हैं। इन दोनों सीटों की बात करें, यानी कि तारापुर और मुंगेर और कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में पड़ता है, इन दोनों सीटों की बात करें तो यहाँ ये दोनों सीटें पहले जदयू के खाते में थी। कोरोना काल के दूसरे लहर के दौरान दोनों विधायकों की कोविड या पोस्ट कोविड निधन होने की वजह से ये सीटें जो हैं खाली हुई, जहाँ पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। लड़ाई मुख्य तौर पर दिख रही है आरजेडी वर्सेस जदयू में, क्योंकि जदयू अपनी सीट को बचाने की जहाँ कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इन सीटों को अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है कांग्रेस, और दूसरी तरफ रामविलास पासवान के नाम से नए गुट की मान्यता लेने वाले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब यहाँ पर मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला। अगर चिराग पासवान वोट काटते हैं तो नुकसान नीतीश कुमार को होगा, और अगर कांग्रेस वोट काटती है तो नुकसान तेजस्वी को हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जीतता कौन है बिहार की इन दोनों सीटों के उपचुनाव पर। हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।